समागम में भाग लेने के लिए अगर एक भी योद्धा वल्लभराज से जा रहा है तो यहां की औरतों के मन में जलती बदले की आग की वजह से है। ऐसी ही वीरांगनाओं की कोख से मैंने और तुमने जन्म लिया है। राजकुमारी अमीरा के राज्य अभिषेक में अब कुछ ही दिन बचे थे और पूरे माहेश्वरी में त्योहार का माहौल था और जगह जगह पर उत्सव हो रहे थे। लोग उनकी प्यारी राजकुमारी अमीरा के राज्य अभिषेक के लिए काफी खुश थे और जो लोग बाहुबली के इस फैसले के खिलाफ थे वो भी धीरे धीरे राजकुमारी अमीरा की खूबियों की तारीफ करने लगे थे और उन्हें बाहुबली पर पूरा भरोसा था कि वो अपनी माहेश्वरी और अपनी प्रजा के लिए एक सही उत्तराधिकारी ही चुनेंगे। तो वहीं राजमहल में भी तैयारियां चल रही थी और देवसेना और बाहुबली अपनी पुत्री के राज्य अभिषेक के लिए काफी खुश थे और इस प्रसंग को यादगार बनाना चाहते थे और इसलिए हर एक तैयारी को वो खुद अपने निर्देशन में कर रहे थे। तभी वहां राजकुमारी अमीरा आती है और अपने माँ बाबा को इतना खुश देखकर अपने चेहरे की मुस्कान को छुपा नहीं पाती और तभी राजकुमार सूर्यवीर उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं, काफी अच्छा लगा ना माँ बाबा के चेहरे पर इस तरह की खुशी को देखना। ये सुन अमीरा अपने भाई की तरफ देखती है और कहती है, हाँ और हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम उनके चेहरे की इस मुस्कान को कभी मिटने नहीं दें। ये दोनों ही भाई बहन बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ एक गुप्तचर भागता हुआ आता है जिससे इतना घबराया हुआ देख अमीरा पूछती है कि क्या हुआ गुप्तचर, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? और तभी वहाँ देवसेना और बाहुबली भी आ जाते हैं। तभी गुप्तचर उन्हें बताता है, माहेश्वरी की जय हो, बाहुबली दूर देश के आए हुए ग्रीक राज्य के अलेक्जेंडर हमारी माहेश्वरी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और बाकी राज्यों की तरह हम पर भी जीत हासिल करके हमारे माहेश्वरी को अपने नाम करना चाहते हैं। ये सुनकर राजकुमारी अमीरा बोलती है, होंगे वो कहीं के सम्राट लेकिन माहेश्वरी उनके आगे कभी नहीं झुकेगी क्योंकि हम आज तक ना ही झुके हैं ना ही आगे कभी झुकेंगे। फिर वो बाहुबली और देवसेना की ओर देखकर कहती है, पिताश्री मुझे आज्ञा दे ताकि मैं इस आने वाले संकट के बादल को आने से पहले ही दूर भेज पाऊँ। तभी राजकुमार सूर्यवीर भी उनसे यही कहते हैं, जी पिताश्री मुझे भी आज्ञा दे कि मैं जीजी के साथ जाकर हमारी माहेश्वरी की रक्षा कर पाऊँ। अपने बच्चों के इस साहस और बहादुरी को देखकर देवसेना और बाहुबली एक दूसरे की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हैं और फिर राजकुमार और राजकुमारी की तरफ देखते हुए बाहुबली उनसे कहते हैं, हमें पूरा भरोसा है कि आप दोनों इस आने वाले संकट को ज़रूर दूर करेंगे और उन विश्व विजयी अलेक्जेंडर को दिखा देंगे कि माहेश्वरी कभी किसी के आगे नहीं झुकती। और देवसेना कहती है, अब तो माहेश्वरी की जीत के बाद ही राजकुमारी अमीरा का राज अभिषेक होगा और लोगों के दिलों में जो संदेह है वो भी दूर हो जाएगा। तभी पीछे से कोई बोलता है, बिल्कुल सही कहा आपने राजमाता, हम भी राजकुमारी अमीरा के साथ हैं और इस युद्ध को पूरा माहेश्वरी साम्राज्य याद रखेगा। तो कौन है ये अनजान और क्या होगा इस आने वाले युद्ध में, ये जानेंगे हम अगले वीडियो में। आपको आज की वीडियो कैसी लगी बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।